नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट एंड ले प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ विशेष सूचना प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं टेलीग्राम पर या व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर जाकर के, कि सैटरडे को जो मीटिंग हुई है सर, उसके सदन में कुछ सूचना हमें प्रोवाइड करिए। तो हालांकि मेरे जानकारी में तो बातें थी, लेकिन पूर्णतया मैं स्पष्टीकरण के रूप में उसे जानकारी कलेक्ट करना चाह रहा था कि क्या बातें जो हैं वास्तविक रूप से वहाँ हुई हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसी 2023 में आने वाली है, चाहे जिस डिपार्टमेंट से, CAPS या RO या APS की, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सितंबर और अक्टूबर के आसपास। ये मैंने आपको पहले ही कहा है और आज भी यही बात मैं दोहराऊंगा कि आपको वैकेंसी सितंबर अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगी। और इस मीटिंग में देखो, मैं इस तरीके से बात बताता हूँ कि अभी कुछ जज जो है नए आए हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति हुई है और साथ ही साथ कुछ जज यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसा कि वर्तमान में जो बहुत ही सशक्त जज थी मानी जाती हैं, माननीय उच्च न्यायालय की सुनीता अग्रवाल जी का ट्रांसफ़र जो है गुजरात हाई कोर्ट में CJ के पद पे हो गया है। ये यहाँ से गई और वहाँ पे CJ के तौर पे कार्य करेंगी अब। और कुछ नए जज जैसे कि पंजाब से भी दो तीन जज आए हुए हैं और अलग अलग कोर्ट दिल्ली से भी एक जज आए हुए हैं, तो नए जजों की कुछ नियुक्ति भी हुई है। तो इनको इनको इन जजों की नियुक्ति को लेकर के भी कुछ मीटिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि रूमर्स का इस समय टाइम है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। बात एक निकलती है, चार उसमें जोड़ने वाले होते हैं, दो उसमें तोड़ने वाले होते हैं, छः हो गई बात। तो यही बात हम कहेंगे कि देखो, रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब जो कुछ आएगा सबके लिए बराबर आएगा, कि कब आएगी कब आएगी, ये प्रश्न की जगह आप जो है क्या अपनी तैयारी को देखिए कि क्या मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं, किसी भी हाई कोर्ट से, कमीशंस की बात मैं नहीं करूँगा, जैसे UPPCS से वैकेंसी आती है या किसी भी PCS से वैकेंसी आती है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन पर्टिकुलर हाई कोर्ट की मैं बात करूँगा कि हाई कोर्ट से वैकेंसी तभी आती है जब वहाँ पर ज़रूरत होती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जब वैकेंसी आएगी तो जान लीजिए कि समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है आपको। हाँ, कुछ विवाद वगैरह हो जाए, कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज हो जाती हैं परीक्षा करवाने में या ज्वाइनिंग करवाने में, रिजल्ट देने में, तब तो बात का विषय है। लेकिन वास्तविक रूप से ये कहा जा सकता है कि जब भी वैकेंसी हाई कोर्ट से आएगी तो बिल्कुल आपको समय मिलने वाला है नहीं एग्ज़ाम का। अभी देखिए, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट से भी हाल फिलहाल में वैकेंसी आई हुई है जूनियर PA की। अब देखिए, उन्होंने वैकेंसी निकाला, अगस्त में लास्ट डेट भी है, अगस्त में वो दे रहे हैं कि 25 अगस्त से आपका एग्ज़ाम भी होगा। देख रहे हैं ना, जुलाई में एग्ज़ाम, जुलाई में ये डेट आई हुई है और जुलाई सॉरी जुलाई में फॉर्म आया हुआ है, 25 अगस्त से 10 सितंबर के बीच उन्होंने एग्ज़ाम को संभावित कर रखा है। समय देख रहे, दिया नहीं दिया, जो बच्चे पुराने तैयारी कर रहे थे उन्हीं का उसमें होने वाला है। आप कहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट सामने आ गया, अब आप तैयारी स्टार्ट करें, कि कोई अब तक कुछ और ही काम कर रहे थे, अब आपने वैकेंसी देखा, आप तैयारी स्टार्ट किया, तो कैसे होगा। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि तैयारी को अपने जारी रखिए, वैकेंसी आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास ही देखने को मिलेगी। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट कितनी मीटिंग हो जाए, होने दीजिए मीटिंग। अरे भाई, उनका विभाग भी है, वैसे भी बैठ सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग इसके साथ, देखो ऐसा कुछ होता ना तो मैं बहुत पहले बता देता, आपको मैसेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो तो आप लोगों ने बार बार मैसेज कर दिया कि सर बताइए बताइए, तब मुझे बताना पड़ गया। अच्छा, मैं हो सक मुझे लगा कि शायद हो सकता है भाई कुछ ऐसी जानकारी हो, मुझे जानकारी ना मिली हो, आप लोग को मिल गई हो, क्योंकि सोर्स सबका अपना अपना है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना सोर्स लगाए होंगे, या कहीं यूट्यूब से या किसी टेलीग्राम चैनल से आप लोगों ने देखा होगा, कोई बताया भी होगा। लेकिन यहाँ आपको जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँगा वो बिल्कुल फैक्ट मिलेगी, बिल्कुल फैक्ट। तो अभी सितंबर अक्टूबर का इंतजार करिए, वैकेंसी आपको तभी देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रॉपर। अब उसमें PS आएगी कि APS आएगी, कितनी आएगी, हाँ इतनी जानकारी है कि RO की सीट इस बार 250 के आसपास, 230 240 के आसपास RO, पर्टिकुलर RO की सीट आएगी, उसके उससे कम ही रहेगी आपकी ARO की। अब PS APS के बारे में अभी वो कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई लोगों का इसमें क्या ना प्रमोशन भी हुआ है, तो प्रमोशन के कारण अभी भी प्रमोशन चल ही रहा है, तो इस कारण से अभी संभावित सीटें जो है निर्धारित नहीं की जा सकती कि कितनी सीटें APS की आएंगी और कितनी जो है PS की आएंगी। और ये भी कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कन्फर्म नहीं है, सीटें बनाई गई हैं PS की, बन चुकी हैं, अप्रूवल सरकार की तरफ से जो है सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। अब हाईकोर्ट इसको किस बेस पे निकालती है, उसका आधार क्या होगा PS के लिए,
अगर उसने आधारभूत सब कुछ ढांचा अपना तैयार कर लिया, सारा रोड मैप तैयार कर लिया, तो पीएस की भी पोस्ट आपको आपको 2023 में देखने को मिलेगी। ओके, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा ये सब देखिए बात का भी सही होगा। ये क्राइटेरिया जब नोटिफिकेशन आएगा तभी डिसाइड होगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हम यहाँ पे कहेंगे। बस इतनी सी बात कहेंगे कि तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए, और स्पेशल क्लास के लिए आप हमारे ये क्या नाम है स्पेशल क्लास में ज्वाइन करिए। मैं आपको नंबर यहाँ पे दिखाई एक टेलीग्राम लिंक पे जाकर के आप वहाँ जुड़ जाइए, या तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डाल दे रहा हूँ। ओके, वहाँ से आप अपना हमारे स्पेशल क्लास जो हाई कोर्ट के लिए चल रही है, राजस्थान हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, या किसी भी हाई कोर्ट की आप तैयारी करते हैं पीएपीएस के लिए, स्टेनो के लिए, एसएससी के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जो कुछ भी सूचना मिलेगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।